खबर आई है, हेमा मालिनी ने कहा है कि इन किसानों को जो विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो विरोध काहे का कर रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस समिति में चार दूसरे रखने थे, उसमें हेमा मालिनी जानी थी, उसमें स्मृति ईरानी जानी थी, उसमें जो है कंगना रनावत जानी थी और उसमें नीता अंबानी जानी थी, जिसका मोदी जी बड़ा कड़क हाथ पकड़ते हैं। कुछ जबरदस्ती दे रही है, हम लेना रे, हम दूर भाग रहे, यू बिल भी तो ना ले रहे, यू भी आ जबरदस्ती दे रहे, अब ये कमेटी जबरदस्ती दे रहे, अब भगवान इनके ऐसा मैं कौन सा ज्ञान को इंजेक्शन लगाऊं, मेरे पास तो है नहीं, वो कंपनी में बनता ना बाबा रामदेव की में बनता होगा। म्यूजिक जिसको ये पता नहीं के बेल का पिछवाड़ा किधर हो और वो खेती बता रही है हमें, अरे वही नाश्ती कथक ठीक लगती है। आपने फोटो देखा खेती का तो है? अरे फोटो तो हमने मोदी का भी देखा था, फावड़े की जगह बेलचा ले रहा था, सफेद सूट पहन रहा था और जूते पहन रहा, जुराब पहन रहा और बेलचा ऐसे लगा रहा। देखिए घर पे बागवानी में गमले में पुदीना उगाना और खेती करना एक नहीं हो सकता। देखिए जो आंदोलन होते हैं वो सभ्यता से संस्कृति से चलाए जाते हैं। जब दिल्ली जाने का टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बतावेंगे तो हम ये दिल्ली जावेंगे, देश का किसान दिल्ली जावेगा, ये रोक के दिखा देना। प्लानिंग की बात ऐसी कर रहे हो पत्रकार महोदय, कोई वहां तोप लेकर जा रहे हैं? किसी किसान ने पूछा कि खेती कैसे हो? ये भी तो लोगों के द्वारा चुनी गई है तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि लोगों के तो ये सलाह सरकार को दें, हमें क्यों दे रहे हैं? हमने इनसे मांगी है, हमने इनसे सलाह मांगी है, क्यों सलाह दे रही है फालतू? तो यही है, सरकार को सलाह देंगे तो आप कहेंगे समर्थन में आ रही है। अरे सरकार को दे सलाह कि उसकी बुद्धि ठीक कर ले अपनी, या किसान है तो वहां जाकर लड़ उनसे कि इनके बिल को ठीक कर दे, मान ले इसे वापस ले ले, हमें क्यों बता रही है? इससे बता दियो कि कथक बंबई में ठीक रहे, वरना ये कथक नृत्य अब के जो है उसमें मथुरा में बड़ा पछवाया जाने, हम संटा होगा हाथ में संटा। हेमा मालिनी कहा है कि ये जो लोग बिल चला रहे हैं उन्हें पता नहीं है। किसान का, देश के सबसे बड़े किसान का सवाल आया, ध्यान से सुनियो। हाँ जी, चलिए, वो उन्होंने कहा है कि जो लोग बिल चला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिल क्या है, वो भटके हुए लोग हैं। ज्यादा घना हो रहा, हम मान सके तमें रजाई की जरूरत है, हम यू भी मान सके, वह रजाई को छोड़ के बिस्तर को छोड़ के यहाँ आवे माननीय सांसद जी, हेमा मालिनी जी यहाँ आवे और हमें इस बिल के फायदे बतावे, और हम युवा हैं बालक हैं, हमें ना पता हो सके ऐसा भी तो हो सके, हमें समझावे या के फायदे और हम उन्हें या के नुकसान। समिति बनेगी, आप लोगों की सुनेगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बताएगी कि ये समस्या है, वो ये फैसला तय करेगी कि भाई जनता के हित में है, किसानों के हित में है या नहीं है हित में, तो ये तो बहुत लंबा समय, तो आपको नहीं लगता क्या ये बहुत ज्यादा टालने की या लंबा समय खींचने की बात की जा रही है? अरे हम पहले से कह के आए ना, जब हम आए थे हमने जब भी कह दिया था कि लगभग 6 महीने के लिए तो आए हैं, तो अभी तो 2 महीने भी ना हुए।